की पहचान अब होगा एक्शन। नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पिछले दिनों कोलकाता में धरना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धरने में शामिल अफसरों को मिले मेडल वापस लिए जा सकते हैं और उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति से भी रोका जा सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस के 5 अफसरों की पहचान भी कर ली है जो सीएम के साथ धरने पर बैठे थे। धरना स्थल पर पहुंचे अफसरों में डीजीपी वीरेंद्र 1985 बैच के आईपीएस, एडीजीपी विनीत कुमार गोयल आईपीएस 1994 बैच, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनुज शर्मा 1991 बैच और सुप्रतिम दरकार 1997 बैच, एडिशनल सीपी कोलकाता पुलिस के अलावा ज्ञानवंत सिंह 1993 बैच, सीपी बिधाननगर कमिश्नरेट धरना स्थल पर वर्दी में पहुंचे थे। एमएचए ने गुरुवार को कहा कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनमें उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें दिए गए मेडल्स को वापस लेना शामिल है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ये अधिकारी किसी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंधित भी किए जा सकते हैं। कोलकाता के प्रकरण को देखते हुए गृह मंत्रालय सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करने पर भी विचार कर रहा है जिसमें अधिकारियों से सर्विस रूल्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से अफसरों को अपनी ड्यूटी के दौरान डेकोरम मेंटेन करने को कहा जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार को पहले ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लिखा जा चुका है। एमएचए ने पश्चिम बंगाल सरकार को 4 फरवरी को धरने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई करने को कहा है।